हेलो बच्चों, तो आज क्लास 12 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर लेंगे आज सॉल्यूशंस। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक नई कॉपी लेके आप सब तैयार। हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशंस की। फिजिकल केमिस्ट्री से हमने शुरुआत की है और क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री 11 के कंपैरिजन में काफी आसान होगी। ऑर्गेनिक वगैरह नहीं, पर फिजिकल काफी इजी होगी। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। वैसे तो आप नोट्स अच्छे से अच्छे बनाइएगा, आपके लिए वही बेटर होगा। फिर भी आज से 8 to 10 डेज के अंदर इस लेक्चर के और 12th के सभी लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा उनके पीडीएफ नोट्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड होंगे। वेबसाइट 8 to 10 डेज में लॉन्च होगी। मैं खुद आके चैनल पे ये बात बताऊंगा कि वेबसाइट का नाम क्या है और कहां पे आपको लिंक मिलेगा नोट्स का। नीचे इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे दूंगा, कमेंट्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। साथ में इस लेक्चर के और इस चैप्टर के आपको बहुत अच्छे असाइनमेंट भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वो नेक्स्ट 8 to 10 डेज में होगा और उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम उस पर लगातार जारी है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन की और आज का जो लेक्चर होगा वो काफी कुछ 11 पे बेस्ड होगा, तो 11 का ही लेक्चर कंपाइल होगा आगे। सो हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन में कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स याद है, 11 में पढ़े थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब। तो आज वही लेक्चर होगा, 11 का कंपाइल करेंगे, यही सब चीजें आज पढ़नी है। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट वेपर प्रेशर, और उसके बाद स्टार्ट होगी बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको मैं सच बताऊं तो इस चैप्टर में यही एक चीज है जहां से सवाल आपके बोर्ड्स में, आईआईटी में, नीट में यही से आ रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, कि सॉल्यूट की क्या मोलैरिटी है, सॉल्यूट का क्या मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट की क्या नॉर्मैलिटी है, मतलब इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आने चाहिए। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है और वहीं से सवाल आपको मिलेंगे। कौन कौन सी है चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया जाएगा, फिर यह बताया जाएगा। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले तो आप इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि कैसे ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। फिर से सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है ना कि टाइप ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करती, किस तरह का सॉल्यूट इससे मतलब नहीं, क्वालिटी से मतलब नहीं, क्वांटिटी से मतलब है। तो इसके ऊपर आपके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैंट हॉफ फैक्टर, ये पार्ट भी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और वैंट हॉफ फैक्टर इन प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो पहले इनको पढ़ेंगे फिर वैंट हॉफ फैक्टर, और चैप्टर एंड करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से। इसके ऊपर एक लॉ पढ़ना है हमको, हेनरीज लॉ। तो एनसीईआरटी में ये चीज काफी शुरू में दी है बट हम टुवर्ड्स द एंड पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीजें होंगी और आज का लेक्चर ये होगा कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड, और ये 11th की चीजें हैं तो 11th का ही लेक्चर कंपाइल करेंगे। अब जितने लोग को आता है बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिए 11th के नोट्स खोल के ही, लेक्चर आगे देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से शुरू करिएगा। जितने लोग ने 11th में सही से नहीं पढ़ा है तो मैं बोल तो सकता था कि आप मेरे 11th का ये लेक्चर देख लो, फिर आपको ढूंढना पड़ता है एक एक लेक्चर।
तो मैं इसी में वो सारे लेक्चर कंपाइल करूंगा, पर पहले आपको थोड़ी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद फिर लेक्चर्स लगाएंगे। पहले थोड़ा बहुत सुन लो कुछ नई चीजें भी, इसको मिटा दें, ओके थोड़ी बहुत बातें सुन लो। जैसे सॉल्यूशन क्या चीज होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, वो पानी में नमक डाल दिया, पानी में चीनी डाल दिया, उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं सिंपल भाषा में, सही भी, उसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली बच्चों सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन आपको मिलेगी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हर जगह सेम होगी। जैसे मान लो यहां मैंने एक बीकर में सॉल्यूशन ले लिया, अब उस बीकर के इस कोने में जो प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की वही इस कोने में, वही इस कोने में, वही इस कोने में, यानी प्रॉपर्टीज हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी। होमोजीनियस का मतलब कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने इस बीकर का ये वाला पार्ट देखा, इतने पार्ट में मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, और आपने यहां पे आके उतना ही पार्ट देखा तो इसमें भी दो ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। जैसे मान लो यहां आपने देखा 10 ml में दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे भी 10 ml में दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कंसंट्रेशन भी हर जगह यूनिफॉर्म हो तभी आप उसको सॉल्यूशन बोल सकते हो। सॉल्यूशन का मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं वो एकदम यूनिफॉर्मली मिले, हर जगह बराबर का मिक्सचर है, तभी सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा, बट हम तो बात दो ही करेंगे, हमारा पूरा ये चैप्टर दो ही कंपोनेंट पे बेस्ड होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस विच लूज देयर आइडेंटिटीज, मतलब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज जो है उसको ये खो देंगे, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। बात समझो, जैसे मान लो ए और बी को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बना, तो ए की प्रॉपर्टीज बी की प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी, यानी ए अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देगा, बी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खो देगा, और मिक्सचर में आके एक नई प्रॉपर्टीज बनेंगी, मतलब दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, उनकी खुद की अब कोई पहचान नहीं। हम सब भारतीय हो जाते हैं, नहीं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है हम सब अपने आप को सिर्फ भारतीय कहते हैं, कौन किस स्टेट से आया है, कौन किस एज ग्रुप का, ये सब मैटर नहीं। तो वही बात है कि सॉल्यूशन में जाके वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। अब ये नहीं है कि आपने वो फिल्टर पेपर लिया है ना, वो छन्नी ली और छान दिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए, नहीं, अगर हो जा रहे हैं तो फिर वो सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ऐसी चीज जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप इजीली सेपरेट ना कर सको सिंपल मेथड से, फिल्टरेशन वगैरह से। तो ये सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है, याद रखना सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है हर जगह, क्लियर है? सब्सटेंसेस लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, और किसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं सब, सॉल्यूशन की। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, पर हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसके कितने कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी मतलब ही क्या होता है, टू, तो हम दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लें। अच्छा हाँ, पीडीएफ नोट्स में ये सब चीजें रहेंगी, बट अपना नोट्स बनाना सबसे बेटर होता है ना, तभी तो पढ़ाई समझ में आती है। अब जैसे आप सब जानते होंगे कि सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, किससे किससे बनता है, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट बच्चों किसको बोलते हैं, जो हमारा स्मॉलर अमाउंट में होता है, जो चीज कम होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घुलता है जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है उसको सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट में। ठीक है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी एक बेसिक तरीका यही है। जैसे मान लो हम बोल दें हमारे पास 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब इसमें 20% इथेनॉल है और 80% वाटर है,
बच्चों जो चीज ज्यादा है वो क्या बन गई, सॉल्वेंट, और जो चीज कम है वो क्या बन गई, सॉल्यूट। कहने का तरीका है, जैसे मान लो हम बोलते हैं हमारे पास 80% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, 80% एथेनॉल, तो इस बार एथेनॉल ज्यादा हो गया वाटर कम, इस बार 80% एथेनॉल हो गया और 20% वाटर हो गया, तो इस बार एथेनॉल क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। तो जरूरी नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्यूट हो, वाटर हमेशा सॉल्वेंट हो, वाटर सॉल्यूट भी बन सकता है। जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी वो सॉल्वेंट, ध्यान रखना इसका हम यूज करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस बात का यूज होगा। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ आईआईटी में एक बार कि ऐसा हुआ था कि वाटर सॉल्यूट बन गया था, ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो ध्यान देना, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में दैट विल बिकम सॉल्वेंट, यहां वाटर 80% था सॉल्वेंट, यहां वाटर 20% है तो वो सॉल्यूट। ठीक है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मान लो कोई बोल दे आपके पास 50% एथेनॉल है, अब क्या करें, तो अब आप किसी को भी सॉल्वेंट और किसी को भी सॉल्यूट ले सकते हो, दोनों तरफ सही होगा, या तो पेपर में मेंशन हो कि इसको सॉल्यूट और इसको सॉल्वेंट लेना, फर्क पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, इस बात का फर्क पड़ेगा, पर बेसिकली आप समझ लो जो चीज ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। ठीक है, एक तरीका और है सॉल्यूट सॉल्वेंट डिस्क्राइब करने का, एक दूसरा तरीका है, वो कहता है कि सॉल्यूशन फाइनली जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले वही कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। आराम से समझते हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास चीनी है और आपके पास पानी है ना, ये वाला तरीका बताते हैं क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपके पास शुगर है और आपके पास वाटर है, और इसका आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो शुगर अपना किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इनका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, चीनी को पानी में डालो, सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो सॉल्यूशन ने किसकी फिजिकल स्टेट ले ली, चीनी की कि पानी की, पानी की। तो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन ले ली हम बोल देंगे वही चीज सॉल्वेंट है, यानी इन दोनों में सॉल्वेंट किसको बोल देंगे हम, वाटर को। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये वाला नहीं है, अगर एग्जाम में नहीं दिया तब तो यही लगाओगे, अदरवाइज ये भी एक तरीका है समझने का कि सॉल्यूशन फाइनली जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट में ले ले, जिसको वो अडॉप्ट कर ले, उसी कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट मान लेंगे। भाई चीनी सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, इनका सॉल्यूशन किस स्टेट में होता है, सॉलिड तो होता नहीं, लिक्विड होता है, लिक्विड कौन है, वाटर, यानी वाटर ही इसका सॉल्वेंट माना जाएगा। बेसिकली आपको वैसे ये तरीका अपनाना रहेगा, चले आगे बढ़े। अच्छा, तो सॉल्यूशन में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, यही डिसाइड करेगी कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। अब ये ज्यादा कम डिसाइड कैसे करें, ज्यादा कम डिसाइड करने के लिए हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, इससे पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम। अब कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमारे दो तरह के मिलेंगे, दो तरह के कंसंट्रेशन टर्म मिलेंगे, एक होंगे जिसमें वॉल्यूम का कुछ रिलेशन होगा, यानी वॉल्यूम रिलेटेड, और एक होंगे जिसमें मास का रिलेशन होगा, तो इसको मास रिलेटेड बोल दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों सेपरेट किया आपने, वो मोलैरिटी मोलैलिटी, मैंने दो क्लास बना दी। अब दो क्लास क्यों बनाई, बच्चों जो भी चीज वॉल्यूम से जुड़ती है उसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, घटाओगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। भाई किसी चीज का मास जो भी है, टेम्परेचर बढ़ने घटने से मास तो चेंज होता नहीं जनरली, क्योंकि डेंसिटी हम मानते हैं जनरली चेंज नहीं हो रही है। सो बेसिकली ये वाले जो टर्म्स होंगे कंसंट्रेशन के, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। कई बार बोर्ड में सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होगा, कौन सा टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज नहीं होगा। तो जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर बदलने पे चेंज होंगे, और जो मास से रिलेटेड होंगे उनको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको हम बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन कौन से होते हैं देखा जाए,
टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन करते हैं? सबसे पहला होगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको ऐसे भी पढ़ते हो आप, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद परसेंटेज वेट, ऐसे लिख लो, वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको आप पढ़ते हो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सब अभी डिटेल में आ रहा है। इसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी में भी वॉल्यूम का टर्म होता है। इसके बाद नॉर्मैलिटी, इसमें भी वॉल्यूम का टर्म, यानी ये सारे टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर चेंज होने पे ये सब चेंज होंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है। इधर मास रिलेटेड कौन से हैं? सबसे पहला परसेंटेज बाई मास, या परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं, ये होता है वेट बाई वेट, दोनों का वेट यूज कर रहे हैं, सल्यूट का भी और सल्यूशन का भी। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन का बहुत तगड़ा यूज होना है, मोलैरिटी का बहुत तगड़ा यूज होना है, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो गया हमारा मोलैलिटी, सुना होगा ला 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 ला, ये मोलैरिटी, वो मोलैलिटी, ये भी सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम से इसका कोई लेना देना नहीं। और चौथा टर्म हमारा हो गया पार्ट्स पर मिलियन, सुना है, सब पढ़ाएंगे भी डिटेल में, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को कई बार पार्ट्स पर बिलियन की तरह भी एक्सप्रेस करते हैं, दोनों हैं। ये जो चारों टर्म हैं, इनका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं, और ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो इन सारे टर्म्स को हमको अब इन डिटेल पढ़ना है, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेने हैं ताकि हमें ये प्रैक्टिस हो जाए। आप मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी को जरूर अच्छे से पढ़ना। अब देखो क्यों सारे पढ़ने हैं, बोर्ड लेवल की बात करो तो इन तीन से शायद काम बन जाए, बट कॉम्पिटिशन में क्या होगा, वो परसेंटेज बाई वॉल्यूम देगा और कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल देगा। चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई ना मैंने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उन प्रॉपर्टीज के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो बोर्ड पे तो सीधा सीधा ये हो सकता है इसके फॉर्मूले से काम चल जाए, बट कॉम्पिटिशन में ये देगा, उससे ये निकालना होगा और उससे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब आपको अच्छे से ये चीज डिटेल में आनी चाहिए, इसीलिए क्लास 11 का ये पहला चैप्टर था अगर याद हो तो। यहां से इन टर्म्स को मैं पढ़ाऊंगा इन डिटेल, क्लास 11 के लेक्चर में यहां से कंपाइल कर रहा हूं। अब जिसको आता है वो क्लास 11 के नोट्स को रिवाइज कर ले और अगले लेक्चर का वेट करे, जिनको नहीं आता है इन सारे टर्म्स को धीमे धीमे समझने की कोशिश करे। चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहला जो हमारा कंसेंट्रेशन टर्म है वो है वेट बाई वेट परसेंटेज। अब ये क्या बताता है हमको, हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% और ब्रैकेट में लिख दिया वेट बाई वेट। इसका मतलब हुआ 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट और यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन। 5% NaCl का मतलब हुआ 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर आपको निकालना हो वेट बाय वेट परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे, ऊपर रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जैसे आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज, तो हमने लिख लिया 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कितना मास होगा, 100 नहीं 110। देखो ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है और दोनों को मिला देंगे तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 110 मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है, तो जीरो ने जीरो को मारा तो 1/11 या 100/11, तो 11 9s are 99, 10 0 100, 11 9s are 99, 9.09% वेट बाय वेट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, यहाँ फिजिक्स का फील मत लेने लगना कि वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो वेट बाय वेट परसेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो वेट बाय वेट परसेंट का ही एक दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, या NaCl ले लो, NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ density of solution is 1.2 gram per milliliter। आइए निकाले, तो weight by weight percentage निकालना है, formula क्या लगेगा, mass of solute upon mass of solution multiplied by 100। तो कितना सॉल्यूट है, NaCl कितना है 10 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। बच्चों देखो एक इंफॉर्मेशन और है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ले लेंगे किसकी, सॉल्यूशन की, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितनी दी है, 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 ml, ml ने ml को मार दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो मर गया, 100 बाई 12, तो इसको हम 4 से काट दें, 4 25s are 4 3s are 3 8s are 24 10 बचा 3 3s are 9 3 3s are 9 8.33% तो जब डेंसिटी वाली चीज दे और मास की जगह वॉल्यूम दे दे, तो ऐसे काम करना है। अब ये जो चीज आपको पढ़ाई, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे ये चीज बहुत काम आने वाली है, कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दिया, मास दे दिया, वॉल्यूम पे पहुंचे, डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मास पे पहुंचे। चलिए, तो आपको वेट बाय वेट परसेंटेज तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम नेक्स्ट टर्म पढ़ लेते हैं, विच इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हमसे बोलता है ए एच सी एल एक्वस सोल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी 7 ml एच सी एल एक्वस बोला तो किसमें सोल्यूशन होगा, वॉटर में, is present in 100 ml of solution। जब वेट बाई वेट था तो इतना ग्राम इन 100 ग्राम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इतना ml इन 100 ml। फॉर्मूला बोलिए इसका अपने आप, अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जाएगा। जैसे वेट बाई वेट था, वहां मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मीनिंग भी समझा दी मैंने आपको कि इसकी मीनिंग क्या है, बता दी कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा टर्म है बच्चों, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ज्यादातर सवाल वेट बाई वेट से मिलेंगे या वेट बाई वॉल्यूम से मिलेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से सवाल बहुत कम आएगा, आ सकता है, मना नहीं कर रहा, बट वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिलेगा। अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज,
तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है अ सुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? आपकी बात देखो, पहले वेट है बाद में वॉल्यूम है, मतलब 3 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, तो 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट कौन है? सुगर इज प्रेजेंट इन, अब क्या है वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वेट बाय वेट होता तो हम बोलते 3 ग्राम इन 100 ग्राम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता हम बोलते 3 ml इन 100 ml, वेट बाय वॉल्यूम है तो पहले वेट लिखा 3 ग्राम इन 100 ml। फॉर्मूला बता सकते हैं इसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऊपर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहां तो वेट है, और नीचे क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम लेंगे? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये वेट बाय वेट परसेंट होता तब क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। वेट बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तीनों काफी सिमिलर है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कंसेंट्रेशन टर्म्स की। तो आइए इसका एक बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल आ गया कि एक सुगर सॉल्यूशन है, अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो हमसे पूछी क्या चीज है, पहले ये देख लो, हमसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज, तो जो चीज पूछी है उसको इधर बना लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब दिया क्या है? अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वॉल्यूम, यहां वेट है मतलब सॉल्यूट 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना 100 ml, तो हम बोलेंगे 10 ग्राम सुगर जो कि हमारा सॉल्यूट है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में है। तो यार मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें मिल गया 10 ग्राम, अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, पर देखो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है, तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेंसिटी का यूज आपको समझना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, ये हमने माना है 100 ml, तो ml ने ml को मारा कितना हो जाएगा 125 ग्राम, यहां पर रख दिया 125 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल, 25 से काट दो, 25 5 25 4 5 5 5 2 10 2 4 8, तो द आंसर इज 8% वेट बाय वेट। तो वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट पहुंचने का ये तरीका था, क्या किया? डेंसिटी का इस्तेमाल कर लिया और काम बन गया। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा सवाल हो, मान लो जस्ट रिवर्स सवाल हो, जैसे मान लो इसी सवाल में हम बोल दें अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज जो भी है लेट इट बी 1.2, थोड़ा चेंज कर दिया। इस बार क्या दे रखा है? वेट बाय वेट दे रखा है और क्या पूछा है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इधर आ जाओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये लिखा हुआ है सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, मतलब 10 ग्राम सुगर, वेट लिखा है तो यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम सुगर प्रेजेंट है यहां पे, सॉरी क्या होगा,
वेट बाय वॉल्यूम है, तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। अच्छा वापस, 10 ग्राम सुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब सुगर हमें पता है 10 ग्राम रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, हमें क्या पता है मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2, ये आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल यहां रख दो, 100 बटे 1.2 एमएल मल्टीप्लाइड बाई 100, बोल सकते हैं 100 से 100 मर गया, 1.2 ऊपर गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 12% हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम। तो इस तरह से आप वेट बाई वेट से वेट बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम से वेट बाई वेट पे स्विच कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं इस तरह का, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टाइप की कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले टर्म पे चलेंगे। आखिरी सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाई वेट, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और ब्रैकेट भी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml। सबसे पहले देखो कि निकालनी क्या चीज है, वरना इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेके फायदा क्या, तो निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और दिया क्या, सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट। अगर वेट बाय वेट का हम फॉर्मूला लिखें तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वेट है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5% दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 नहीं पता, उसको x मान लिया, यही तो फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास ना देखें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है, तो क्या आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल। मास का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.4, वॉल्यूम 100, तो मास आ गया 140 ग्राम, यहां रख देंगे 140 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 0 मर जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 × 10, 2 × 2, 2 × 7 × 14, तो x = कितना आ गया 7 ग्राम। तो कितना HNO3 है 100 ml में, 7 ग्राम HNO3 है। तो ये बच्चों कुछ सवाल थे जिसमें डेंसिटी का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया। चलते हैं अगले कंसेंट्रेशन टर्म की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोल फ्रैक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो हमारा फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म जो हम ले रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, हो सकता हो दो सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, तीन सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट कई हो सकते हैं ए और बी। मान लीजिए यहां नंबर ऑफ मोल्स दोनों के दिए हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना थोड़ा बहुत तो अब तक आ गया होगा। मान लीजिए ए के मोल्स दिए हैं एक और बी के मोल्स दिए हैं 3, ऐसी अज्यूम कर लिया, तो ए के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ, ए का मोल कितना है 1, टोटल मोल कितने हैं 4, 1/4। बी के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ, बी के मोल है 3, टोटल मोल्स कितने हैं 4, 3/4।
इस चीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मान लो तीन कंपोनेंट हैं ए बी सी, ए के मोल्स हैं मान लो एन ए, बी के मोल्स हैं एन बी, सी के मोल्स हैं एन सी। अब मैं पूछू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस बार क्या करोगे, ऊपर लिख लोगे ए के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स, मतलब नीचे हमें क्या लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर चीज के मोल, देखो ऊपर उसका मोल नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पता चल जाएगा कि टोटल मोल का इसका मोल कितना फ्रैक्शन है। टोटल मोल कितने हैं चार, इसका मोल कितना है एक, तो ये कितना फ्रैक्शन है 1/4। जैसे हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो ऊपर आ जाएगा एन बी, नीचे एन ए एन बी एन सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी तो ऊपर मोल्स ऑफ सी, नीचे एन ए एन बी और एन सी। अब मोल फ्रैक्शन के लिए केमिस्ट्री में एक सिंबल बनाया ये, इसको बोलते हैं जीटा, जीटा हम लिखते हैं जीटा ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक सिंबल और है ये लंबा सा, एन को खींच दिया, इसको बोलते हैं ईटा, ईटा ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ज्यादातर किताबों में जीटा यूज होता है, कई किताबों में ईटा भी यूज होता है, तो दोनों सिंबल जान लो, ये सिंबल किसका है मोल फ्रैक्शन का, ज्यादातर ये मिलेगा आपको। तो जैसे हम आपसे पूछें बच्चों कि आप हमें जीटा ऑफ सी बताओ कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ऊपर सी के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल, मतलब नीचे आपको क्या रखना है टोटल मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स, इससे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं मोल फ्रैक्शन को अंदर तक। आइए तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया कि मेरे पास 40 ग्राम NaOH है और मेरे पास 54 ग्राम वाटर है मिक्सचर में, हमसे कहा फाइंड करिए जीटा ऑफ NaOH मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड जीटा ऑफ H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। बच्चों ध्यान दो, अभी मास दिए हैं, पहले क्या निकालने पड़ेंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मास कितना दिया है 40 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 24 और 16, 40, कितने मोल्स हैं 1, तो NaOH के कितने मोल हैं मेरे पास 1 मोल। और वाटर के मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, फॉर्मूला फिर यही लगेगा मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना मास दिया है 54, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, 1 into 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2, 18, 18 3 54, तो इसके कितने मोल हैं 3 मोल। हमसे कहा मोल फ्रैक्शन निकालो NaOH का, तो ऊपर किसके मोल्स रखें NaOH के, नीचे टोटल मोल्स 1 और 3, 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ऊपर वाटर के मोल 3, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस 1, 4, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, इसकी वैल्यू है 0.25 और ये आएगी 0.75 3/4, इन दोनों को जोड़ो तो आंसर 1 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1, और ये तो होना भी चाहिए, लॉजिकल बात है, क्योंकि आपने सारे फ्रैक्शंस को जोड़ दिया। भाई हमने आपसे कहा ये बिस्किट है, इसको तीन लोग में डिवाइड करो, आपने डिवाइड किया, मैंने कहा तीनों लोग ने अपना बिस्किट जोड़ दिया तो वापस एक बिस्किट बन जाएगा, तो आपने टोटल मोल्स को बांटा था सब में फ्रैक्शन बना के, जोड़ने पे वापस आंसर कितना आएगा 1। तो किसी भी मिक्सचर में मान लो तीन कंपोनेंट है ए बी सी, दो कंपोनेंट है, अगर सबके मोल फ्रैक्शन को हम जोड़ दें, जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, तो आंसर कितना आएगा
वन आएगा हमेशा। जैसे यहां देखो हमने NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था 0.25, H2O का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा, 1 माइनस 0.25, ठीक है। तो अगर सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात लग रही है पर है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को नोट्स में जरूर डाल लीजिएगा कि अगर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। जैसे एक और सवाल आपको करना हो तो आप कर लीजिए, इसी कंसेप्ट पे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो पहले लाइन बोल रही है सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है सबको पता होगा, C2H5OH, और किसमें है, वाटर में है। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 46 वेट है ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज है तो इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, मैंने यहां लिख लिया सॉल्यूशन, यहां लिख लिया इथाइल अल्कोहल, सिंबल में लिख लेता हूं C2H5OH, और यहां लिख लिया वाटर। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, इसमें से इथाइल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम, तो वाटर कितना होगा भाई, वाटर और इथाइल अल्कोहल को जोड़ के ही तो सॉल्यूशन बना है, तो वाटर कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे मतलब 54 ग्राम। आइए अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इथाइल अल्कोहल का मास दे रखा है 46 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालिए इसका C2H5OH, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास यहां लिख दे रहा हूं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 12 2 जा 24, हाइड्रोजन 5 और 1 मतलब 6, ऑक्सीजन 16, ये हो गया 46, तो इसके कितने मोल है, 1 मोल है। अब 54 ग्राम दिया ये, और इसके निकाले फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया है 54, मॉलिक्यूलर मास वाटर का H2O, 1 into 2 plus 16 कितना आया 18, कितना आंसर आ गया 3। अब आप इजीली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल सकते हैं, ऊपर इथाइल अल्कोहल के मोल रखिए कितने मोल आ रहे हैं 1, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3 4, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25। यही आपसे कोई कहे वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालिए तो अब आसान है, आपको पता है टोटल 1 आएगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 0.75। तो इत्तेफाक है कि ऐसा आ रहा है, हमेशा जरूरी नहीं कि यही आंसर बैठे, ठीक है, वैसी वैल्यूज आ जा रही हैं कि आंसर यहां आ रहा है। तो वेट बाय वेट परसेंट से भी मोल फ्रैक्शन तक हम पहुंच सकते थे, ठीक है, बेसिक्स आपके क्लियर हो। बच्चे क्या करते हैं सीधा मोलैरिटी पढ़ने लगते हैं, सीधा मोलैरिटी पढ़ते हैं, तो उनसे डेंसिटी वाले सवाल अच्छे सवाल नहीं बनते, सिर्फ फॉर्मूले वाले सवाल बनते हैं। ये मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूं कि आपको कंसेप्ट से बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे सवाल को भी कैसे हल कर देना। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं बचे हुए दो कंसेंट्रेशन टर्म जो आज हमें डिस्कस करने हैं, एक है PPM पार्ट्स पर मिलियन और एक है PPB पार्ट्स पर बिलियन। तो आइए बात करते हैं PPM पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन होता है बच्चों 10 to the power 6, हम सबकी इच्छा है कि हम मिलियनर बन जाएं, है ना, हमारे पास मिलियन रुपए हो, तो मिलियन रुपए का मतलब होता है 10 लाख रुपए, मतलब 10 की पावर 6,
और मिलियनर डॉलर का मतलब होता है 10 लाख डॉलर, पैसे की बात है, सबकी आंखें चमक रही हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि 10^6 पार्ट्स में कितना पार्ट सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल से ही समझाएंगे, मान लीजिए हमसे बोलता है कि मेरे पास सुगर है 2 ppm इन सॉल्यूशन, मतलब 2 ग्राम sugar 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे हमसे बोलता 5 ppm तो 5 ग्राम ऑफ sugar इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10^6 ग्राम में जितना भी कोई चीज होगा उसको हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल कंसेंट्रेशन टर्म होता है, बहुत ही छोटा कंसेंट्रेशन टर्म होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10^6, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10^6, ठीक है। के बिना टाइम बर्बाद किया, और आज मैं गारंटी देता हूं अगले 30 मिनट के अंदर तुमको मोलैरिटी का कांसेप्ट 100% क्लियर कर दूंगा, गारंटी है यार। मोलैरिटी देखो यार, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये तो हर किताब में लिखा है, आपने नया क्या बताया, समझाते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूं मोलैरिटी ऑफ कुछ भी ले लो, सुगर एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में सुगर का सॉल्यूशन इज 2 m, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है कैपिटल m। अब मोलैरिटी बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसकी मोलैरिटी 2 m है, मतलब 2 moles ऑफ सुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। जैसे हम बोलें कि मोलैरिटी ऑफ, सुनना थोड़ा सा चेंज करूंगा, मोलैरिटी ऑफ H+ ions इज 3 capital M, इसका मतलब हुआ 3 moles of H+ ions are present in 1 liter of solution, ठीक है। तो 1 liter solution में कितने moles of solute present हैं उसी को हम बोलेंगे molarity। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब molarity का हमारा formula क्या है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यार यहीं से बन जाएगा जो अभी आपने पढ़ा, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेना जरूरी है क्योंकि पर लीटर था, इन 1 लीटर था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला एक बार साइड में मैं रिवाइज करा दूं, ऑल्दो आप सबको पता होगा यार नंबर ऑफ मोल्स, यार क्या करते हैं अपन, ऊपर जो मास दिया होता है वो लिखते हैं और नीचे मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले लगाएंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर देखो बच्चों मोल्स है, नीचे देखो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स रखो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखो, मोलैरिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, मोलैरिटी की प्रॉब्लम खत्म। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, चलिए 40 ग्राम NaOH dissolved in
250 ml सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. चलिए तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स और नीचे रखेंगे वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर्स. अब नंबर ऑफ मोल्स NaOH के निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो 250 ml है, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो वॉल्यूम किसमें मिल गया, लीटर. अब मास कितना गिवन है, 40. भाई यहां पे सॉल्यूट कौन है, NaOH, और मॉलिक्यूलर मास सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. 40 हुआ 24 और 16 डिवाइडेड बाय 250 बाय 1000, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4. ऊपर हमारा 251, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1, नीचे 1/4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 ऊपर है मोल्स, नीचे है लीटर, तो 4 मोल्स पर लीटर, या इसको आप सीधा 4m बोल सकते हो, मतलब 4 मोल NaOH के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. चलिए करें. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपन क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर्स में आ जाएगा. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. अब आपको एटॉमिक मास चाहिए, तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16. चलिए मास कितना गिवन है, 4.9 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, 64. तो कितना हो गया हमारा, 66 और 32, 66 और 30, 96 और 2, 98, डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा, 1/2 लीटर्स, ऊपर क्या है मोल, ठीक है. यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, यहाँ जीरो लग जाएगा, 49 ones, 49 twos, 98 और 0, तो 1/20, और ये ऊपर आके रेसिप्रोकल 2/1, 2 ones are 2, 2 tens are 20, तो हमारे पास आया 1/10, यानी 0.1 मोल्स पर लीटर, या इसी को आप बोल सकते हो 0.1 कैपिटल M. ठीक है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके काम बन जाएगा. चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल ले लेते हैं आपसे हम इसी में. जैसे हम आपसे पूछ लें, नंबर थर्ड, फाइंड द मास ऑफ NaCl, या अपन ये ले लेते हैं Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन. यहां सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. अब इस बार हमसे मास ऑफ Na2CO3 पूछा है, तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला वही मोलैरिटी का लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब मोलैरिटी हमको इस बार दे रखी है 3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100, पूछा है उसमें कितना सोडियम कार्बोनेट डालें कि ये काम बने, पूछा है 100 ml पानी में कितना सोडियम कार्बोनेट डाल दें, 100 ml पानी में कितना सोडियम कार्बोनेट डाल दें कि मोलैरिटी 3 आ जाए. तो कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी की वैल्यू 3, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता कितने डालने हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये कर लिया जाए, ठीक है, 0 से 0 मर गया, 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 is equals to 10 n, या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मेरे पास 3/10, यानी 0.3. तो हमें सोडियम कार्बोनेट के
0.3 मोल्स डालने पड़ेंगे। यहां से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया हमने, पर हमसे पूछा क्या है, मास। कोई दिक्कत नहीं, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए हैं, 0.3, तो मैंने रखा 0.3। मास गिवन, वही तो पता लगाना है, फाइंड द मास, तो उसको x मान लिया। अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो सोडियम 23 इंटू 2 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 48, तो ये हो गया 106, तो x इज इक्वल्स टू 106 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो हमारा 3 6 18, 1 1 3 1 3 318, और पॉइंट लगेगा एक के बाद, तो यहाँ पे भी एक के बाद, तो 31.8 ग्राम। कैसे निकाला, समझ में आया? मुझसे पूछा था कितना मास सोडियम कार्बोनेट का प्रेजेंट हो 100 ml सॉल्यूशन में, कि 3 m मोलारिटी हो, तो मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे बच्चों में इसी में आपको थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। चलिए, अब 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कौन है, H2SO4, मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो भैया मोलारिटी का फॉर्मूला यहां मुझे बताओ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन कितना है 10, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो इसका आप कैलकुलेट करोगे 2 32, 16 4 64, तो 98 आएगा, डिवाइड बाय 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन पे, पर वॉल्यूम की कहीं बात नहीं की। देखो, तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कि आपके पास सॉल्वेंट का मास हो, आपके पास सॉल्यूट का मास हो, दोनों को मिला दो तो सॉल्यूशन का मास। अब देखो, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन तो 100 ग्राम, खत्म। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml। अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना है इसका, 100 डिवाइड बाय 1.1, और ये आ गया ml में आंसर। इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर देंगे, 10/98 अपॉन 100/1.1, और ये किस में बच्चों, ml में है, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 1000 से, तो डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया लीटर्स में, ये हो गया मोल्स में। आगे आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, मैंने करने का आपको तरीका सिखाया, कि जब वेट बाई वेट ऐसा कुछ दिया हो, तो 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम, सल्यूट का मास मिल गया, मॉलिकुलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, वॉल्यूम निकालने के लिए सल्यूशन का मास पता है, सल्यूशन की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी लगा दिया, काम बन गया। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, तो अपन एक नेक्स्ट बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, और जो कि है 5th क्वेश्चन। इफ 120 ग्राम यूरिया
CO NH2 is dissolved in 1000 gram water. Find molarity of solution. तो मैं हर तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा. If density of solution is 1.12 gram per ml, nitrogen का mass 14, carbon 12, oxygen 16, hydrogen 1. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए होगा क्योंकि ये सल्यूट है. तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो. 14 28, हाइड्रोजन 4 हो गए, 32 और कार्बन 12 44 और ऑक्सीजन 16 तो 60. चलो भाई, तो मोलारिटी निकालनी है. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए मास गिवेन, यही तो सल्यूट है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो कहीं पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो वही टेक्निक लगाएंगे अपन. क्या निकाल लें? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें. इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं दिया. इस बार ये सॉल्यूट है यूरिया और ये सॉल्वेंट है वाटर. तो अब सॉल्यूशन का मास निकालना है, इस बार वही करना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो यही चीज़ मैं पहले भी आपको समझा रहा था कि सॉल्यूशन का मास जब भी निकालना हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास जोड़ दो. 120 ग्राम सॉल्यूट है, 1000 ग्राम वाटर है. वाटर क्या है इसमें? सॉल्वेंट. सॉल्यूशन तो दोनों को मिलाकर बनेगा ना. तो अपना कितना हो गया? 120 प्लस 1000 कितना हो गया? 1120 ग्राम. फिर हमें डेंसिटी पता है 1.12, तो अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम. मास कितना है? 1120 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है? 1.12. तो ये हमारा ये गया, यहाँ जीरो लग गया, तो 112 वन ज़ा ज़ीरो ज़ीरो 100 1.12 और एक जीरो, इसमें दो जीरो लगेंगे ना. हाँ, तो 1000 मिलीलीटर यानी वॉल्यूम हो गया 1 लीटर. तो सीधा वॉल्यूम रख देंगे 1 लीटर. समझ में आया? मास बाय डेंसिटी 1120 अपॉन 1.12, यहाँ पर दो था तो दो जीरो लगाए. ठीक, 1 लीटर. अब जीरो से जीरो मर गया, 6 2 12 टू मोल्स पर लीटर, मतलब मोलारिटी आ गई 2 m. तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गई 2 m. इसके बाद बच्चों, जो मैं सवाल लेने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेपर में वो पूछा जाता है, ठीक है, और उसको मैं चाहूँगा कि आप याद कर लो. जो हमसे अगला सवाल पूछेगा वो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मोलारिटी ऑफ वाटर. अब मोलारिटी ऑफ वाटर एग्जाम में जब भी पूछे तो सीधा आंसर बताना 55.555555. जब भी पूछे 55.5555 पर, अगर डेंसिटी वाटर की नॉर्मल डेंसिटी दी हो, नॉर्मल डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml दी हो, या 1 kg per liter दी हो, ठीक है 1 kg per liter. जब नॉर्मल डेंसिटी पानी की दी गई हो तब मानना कि ये आंसर सही बनेंगे, ठीक है. जैसे ये डेंसिटी है और निकालते हैं मोलारिटी. लेट अस कंसिडर 100 ml ऑफ वाटर. अब डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो मास ऑफ वाटर भाई 100 ml माना है, 1 ml का मास 1 ग्राम, 1 ग्राम पर मिलीलीटर है ना. तो 100 ml में कितने ग्राम होंगे? 100 ग्राम होंगे. अब मोलारिटी is equals to number of moles of solute upon volume of solution in liter. अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे solute भी water है और solvent भी water है, इसमें सोचना नहीं है. Number of moles के लिए mass given, कितना mass है? 100 divided by molecular mass. तो water H2O, hydrogen 1 into 2, oxygen 16, कितना हो गया? 18. 100 divided by 18 upon volume of solution in liter. Volume कितना माना हमने? 100 milliliter. तो 100 divided by 1000, हमने मान लिया. लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर. क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो मास कैसे निकलेगा भाई? मास का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से निकालना है. तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 100 है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 100 ग्राम. ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो 100 अपॉन 1000 कर लिया मैंने, 100 ने 100 को मार दिया, 1000 ऊपर चला गया, 1000 बटे 18, 55.55555 m. तो ये आंसर तब आएगा जब डेंसिटी नॉर्मल दी है। मान लो एग्जाम में सवाल चेंज कर दे और हमसे बोल दे कि वाटर की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर है, तब ये आंसर मत मार करके आना। कई बच्चे रट के जाते हैं, यही आंसर मार देते हैं। तो डेंसिटी ध्यान से देख लेना क्या डेंसिटी दी है। अगर ये डेंसिटी दी है तो कहानी चेंज हो जाएगी। तुमने माना लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इस बार, 0.9 इनटू वॉल्यूम कितना है 100, इस बार मास कितना आ जाएगा 90 ग्राम, तो यहां 100 की बजाय क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो डेंसिटी देख लेना, अगर डेंसिटी नॉर्मल वाली दिख रही है तो 55.55 मार देना, नहीं दिख रही है तो कैलकुलेट कर लेना। यार कैलकुलेशन का तरीका बताया, 100 ml वाटर कंसीडर करना, उसका मास निकालना, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मास जो निकाला है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये थी मोलैरिटी ऑफ वाटर की कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं जो हमारे पास है। तो बच्चों अगले सवाल के लिए हमको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा अब, और जो कि है कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, बाईमोलर क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों। मोलर सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी 1 हो, एग्जाम में इसको 1 एम भी लिख सकता है। बाई मतलब 2 मोलर, जिसकी मोलैरिटी 2 हो, एग्जाम में इसको 2 एम लिख सकता है। इसी तरह से सेमी मोलर होता है, सेमी मोलर, सेमी मतलब आधा, तो जिसकी मोलैरिटी 1/2 हो, एग्जाम में इसको एम बाई 2 लिख सकता है। इसी तरह से डेसी मोलर होता है, ठीक है, डेसी होता है 1/10, तो जिसकी मोलैरिटी 1/10 हो, जिसको m बाई 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से सेंटी मोलर होता है, सेंटी मतलब 1/100, तो जिसकी मोलैरिटी 1/100 हो या m बाई 100 हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, आप लिख लें अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, मोलर मतलब जिसकी मोलैरिटी 1, बाई मोलर मतलब मोलैरिटी 2, ठीक है, ट्राई मोलर लिखा होगा तो 3 लिख दोगे, सेमी मतलब आधा, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके नोट आप बना लीजिए, जल्दी से पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मोलैरिटी 1, बाई मोलर 2, सेमी मोलर आधा, डेसी मोलर 1/10, सेंटी मतलब 100, तो 1/100 जिसकी मोलैरिटी हो। अब जैसे हमें सवाल दिया, क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमसे मास ऑफ KOH पूछ रहा है किसमें, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो सेमी मोलर का मतलब क्या हुआ, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1/2, फॉर्मूला लगा देंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी हो गई 1/2, नंबर ऑफ मोल्स अपन को नहीं पता, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 डिवाइडेड बाय 1000। यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1/2, और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 1/50 अपॉन 1000। जीरो ने जीरो को मारा, 5 3 15, 5 2 10, 20, और एक और 2 है, तो ये हो जाएगा 3/40। ठीक है, तो 3/40 हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। चलो इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने नहीं, अपन को क्या निकालना है, मास निकालना है। तो 1/2 इंटू 150 अपॉन 1000, जीरो से जीरो को मान लो, 5 3 15, 5 2 10, 20, ये हो गया 3/40। अपन को निकालना है क्या है, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास गिवेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास, 3/40, मास गिवेन नहीं पता, एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों पोटेशियम का मास होता है 20, या कई किताब में 19 दिया रहता है, जो भी दिया हो ले लेना, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 19, 1, 20 और 16, 36। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 36 इंटू 3/40, 4 10 40, 4 9 36, 9 3 27 बटे 10, मतलब मास कितना हो गया 2.7 ग्राम।
तो 2.7 ग्राम KOH प्रेजेंट होगा। तो बच्चों ये बेसिक्स थी मोलैरिटी की। इसके बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस की, मोलैरिटी ऑफ आयंस की, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ आयंस की। चलिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मोलैरिटी ऑफ आयंस पे, ठीक है, आसान टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है, मोलैरिटी ऑफ आयंस। आप भी टॉपिक डाल लें, स्टार्ट करते हैं। इफ 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ पार्ट वन सोडियम कार्बोनेट, पार्ट टू सोडियम आयन, पार्ट थ्री कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन की और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी, ठीक है। चलिए तो पहले हमको इसका सोडियम का मास दिया है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 53 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा 23 इंटू 246, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 ज़ा 48, 60 और 46, 106। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना है तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, 53 वन ज़ा 2 ज़ा 500 वन ज़ा 2 ज़ा 1 है, तो सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 1 है, यानी 1 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन, ये कैसे करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, नंबर ऑफ मोल्स निकाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब Na प्लस आयन की मोलैरिटी जो पूछी बच्चों, एक काम करते हैं अपन, बनाते हैं Na2CO3, इसको आयनाइज करके देखते हैं कितने आयंस निकल रहे। इसमें सोडियम के कितने आयंस हैं, 2 मोल्स या 2 आयंस हैं, और कार्बोनेट के कितने आयन हैं, 1 मोल या 1 आयन है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 m, मतलब 1 मोल ये प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल से सोडियम के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। भाई इसका एक मॉलिक्यूल होता तो सोडियम के 2 एटम बनते, 1 से 2, तो 1 मोल से 2 मोल, और 1 से ये कितना बन रहा, 1 ही बन रहा, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल। ये 1 मोल किसमें डिसॉल्व्ड है, 1 लीटर, तो पूरे का सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, तो 2 मोल भी किसमें डिसॉल्व्ड है, 1 लीटर, ये भी किसमें डिसॉल्व्ड है, 1 लीटर। अब मुझे बताओ Na प्लस की मोलैरिटी क्या हुई, 2 मोल Na प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो इसकी मोलैरिटी हो गई 2m। कार्बोनेट कितने हैं, 1 मोल है 1 लीटर में, तो इसकी मोलैरिटी हो गई 1m। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी कैसे मोलैरिटी निकालनी है आयंस की, कि आप पहले मॉलिक्यूल की मोलैरिटी निकाल लो, फिर देखो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं, जितने आयन हैं उतनी ही मोलैरिटी होगी, प्रोवाइडेड बच्चों अगर हमें बताया गया हो कि 100% डिसोसिएशन हो रहा, ठीक है, अगर ये बात हमें बताई गई हो कि 100% डिसोसिएशन हो रहा, जो कि नॉर्मली हमें बताई जाएगी, जब आप क्लास 12th में आओगे तो हम सिखाएंगे कि 100% डिसोसिएशन नहीं भी होता, अगर हमें बताया गया 100% डिसोसिएशन हो रहा, जो कि सवाल आएंगे अभी, तो आप ये कंसेप्ट लगा दोगे। चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन ये आप खुद से करेंगे, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये आप खुद से करेंगे, आप इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, आप इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे, उसके बाद H2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, तो इसकी मोलैरिटी जो आएगी, इसकी मोलैरिटी उसकी डबल हो जाएगी, तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से।
तो ये था मोलैरिटी ऑफ आयंस। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, कि किसी चीज में हम पानी डाल दें तो मोलैरिटी कैसे चेंज होगी। तो अब हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, कि किसी चीज में हम पानी मिला दें तो मोलैरिटी कैसे चेंज होगी। जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी है कुछ m1 और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है v1। इसमें मैंने कुछ वाटर ऐड कर दिया, इसमें मैंने कुछ वाटर डाला, वाटर डालने से इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, इसमें मैं पानी डालूंगा तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़कर हो गया v2। बच्चों वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। भाई मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम। तो यहां पे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे मोलैरिटी हो गई m2, और आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कंसेप्चुअली कि m2 m1 से छोटा है। ठीक है, जब भी ऐसा केस आए तो बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे m1 v1 is equals to m2 v2। v2 है फाइनल वॉल्यूम पानी डालने के बाद, v1 है इनिशियल वॉल्यूम, m1 पहले की मोलैरिटी, m2 बाद की मोलैरिटी। आप में से कई लोग के दिमाग सवाल आया कि सर ये आया कहां से, कैसे आया, तो आइए समझते हैं। बच्चों यहां से यहां में पानी डालने से वॉल्यूम तो बढ़ गया, क्या आपने सॉल्यूट के मोल्स भी डाले हैं? नहीं डाले हैं, सॉल्यूट के मोल जितने यहां थे उतने यहां, जितने सॉल्यूट बच्चों यहां पे थे उतने ही सॉल्यूट यहां पे होंगे, सॉल्यूट के मोल तो ना बढ़े हैं ना घटे हैं, आपने सिर्फ पानी ऐड किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स यहां थे उतने नंबर ऑफ मोल्स यहां है। अच्छा, हम यहां पे मोलैरिटी m1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां मोलैरिटी m2 को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि सेम होंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी चेंज हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया। यहां देखो n की वैल्यू क्या बनेगी m2 v2, यहां से n की वैल्यू क्या बनेगी m1 v1, मतलब m1 v1 और m2 v2 बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले था वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाद में है, जो इनिशियल था वही फाइनल है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुए, क्या चेंज हुआ है सिर्फ वॉल्यूम। और इस तरह से हमने आपको प्रूफ करके बता दी बात कि जितने पहले नंबर ऑफ मोल्स थे उतने बाद में। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे तो सीधा यूज करना फॉर्मूला एम वी। भाई मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम वी। तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल इज इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल, यानी एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू। क्लियर हो गई होगी बात अब तक तो एकदम, ठीक है। इस बात को भी अब ध्यान में रखना, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कहीं कहीं। जैसे हमसे सवाल पूछा इन्होंने क्वेश्चन, 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर, फाइंड न्यू मोलैरिटी। ठीक है, तो इनिशियली मोलैरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 100 ml, फिर इसमें पानी डाला, कितना पानी डाला 100 ml। अब मोलैरिटी क्या है नहीं पता, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml, 100 पहले से था 100 डाल दिया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो m1 v1 is equals to m2 v2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ HNO3 तो ऐड नहीं किया तो HNO3 के मोल सेम है। m1 v1 0.2 into 100 is equals to m2 v2 200, यहां से m2 निकाल सकते हो आप, 0 मर गया, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा 0.1। तो फाइनल मोलैरिटी इज 0.1 मोल्स पर लीटर या कैपिटल m बोल सकते हैं। अब बच्चों अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स,
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, कि अगर दो सॉल्यूशन को हम मिला दें तब मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ मान लो कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसमें मैंने एक और सॉल्यूशन मिला दिया जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, दोनों सेम सॉल्यूट के सॉल्यूशन है, है ना, मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट क्या है, सेम है। सेम नहीं होगा तो फिर कंसेप्चुअली सॉल्व होगा सवाल, तब भी होगा, वो भी बताएंगे। m1 v1, m2 v2, दोनों को ऐड किया, नया सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। अब बच्चों आप मेरे को बताओ इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, v1 plus v2, बहुत बढ़िया। बच्चों इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, m1 plus m2, नहीं ये तो श्योर नहीं है ना, हो सकता हो इसका वॉल्यूम कम हो सकता हो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, कुछ पता नहीं है। तो इसकी मोलैरिटी हमने मान ली कैपिटल M, जो कि हमको नहीं पता। तो बच्चों मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला है M इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो कॉपी में जाएगा पहले फॉर्मूला, M इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो मैं बहुत आसानी समझाता हूँ। मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n2 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, इसमें n1 मोल, इसमें n2, इसमें n। अब मेरे को बताओ इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स इक्वल्स टू इसके मोल होंगे, भाई मोल्स तो सेम है ना, कहीं सल्यूट तो ऐड किया नहीं है, दो सल्यूशन मिलाए, जितने मोल इसमें थे जितने मोल इसमें थे दोनों जुड़ के इसके मोल्स बन गए। अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स लिखने का एक तरीका एम वी है, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं एम वी, तो एन वन की जगह आप लिख सकते हो एम वन वी वन, एन टू की जगह लिख सकते हो एम टू वी टू, एन यहाँ के, यहाँ की मोलैरिटी कितनी है एम, और यहाँ का वॉल्यूम कितना है वी वन प्लस वी टू, ये याद रखो। एम क्या बन जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। क्लियर है एकदम, अच्छे समझ में आया है, नहीं आया, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स माने एन वन, यहाँ माने एन टू, इन दोनों के मोल्स को जोड़ोगे तभी तो यहाँ के मोल्स आएंगे एन। तो मैंने कहा एन वन प्लस एन टू इज इक्वल्स टू इधर के मोल, फिर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स का एक तरीका है एम वी, तो एम वन वी वन एम टू वी टू, यहाँ की मोलैरिटी एम, वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू रख दिया, यहाँ से एम का देखो यही फॉर्मूला बन जाएगा एम वन वी वन एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो यार आपको ये नंबर ऑफ मोल समझना चाहिए कि एम वी के बराबर होता है और इसी से कंसेप्ट बनते जाएंगे, ठीक है। फिर भी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर सेम सॉल्यूट की है तो आप समझ गए हो कि एम वन वी वन एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। जैसे क्वेश्चन ये जेई का आया, वो सवाल था इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं, इज मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर 300 ml HCl सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आप बोलोगे क्या, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, बस लगा देंगे। एम वन कितना है 0.2, वी वन कितना है 100, एम टू कितना है 0.1, वी टू कितना है 300, डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू, 100 प्लस 300 एंड वॉट एवर इज द आंसर, दैट इज द मोलैरिटी। क्लियर हो गई ये बात, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू लगा दो, जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे सारे मोलैरिटी के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको आपको बताना है वो है मोलैलिटी, मोलैलिटी, और ज़रूरी है कि आप साथ में मोलैरिटी को भी रखो ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसमें रा है, इसमें ला है, मोलैरिटी मोलैलिटी, इसका सिंबल छोटू एम है, इसका सिंबल कैपिटल एम है। मोलैलिटी बच्चों हमको बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg solvent और मोलैरिटी अगर देखो तो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सल्यूशन। दो डिफरेंस है, एक तो ये कह रही है 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं और ये कह रहा है 1 लीटर सल्यूशन में कितने मोल्स हैं। तो यहां सिर्फ सॉल्वेंट को लेते हैं, यहां पूरे सल्यूशन को, यहां पे वॉल्यूम आता है और यहां पे मास आता है। आइए फॉर्मूला देखें मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहां पे क्या था, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का टर्म है। अभी तक तुमने परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, जितने भी टर्म्स पढ़े कहीं पे भी सॉल्वेंट नहीं आया था नीचे, पहला टर्म है। तो याद रखना मोलैलिटी के टर्म में नीचे क्या रहता है, सॉल्वेंट, और क्या रहता है मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। जैसे मैं बोलूं मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3 m, मतलब 3 moles ऑफ HCl आर प्रेजेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, 1 kg वाटर सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं। जैसे मान लें एक्वस सॉल्यूशन है अगर, तो सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, तो प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, पूरे सॉल्यूशन को नहीं सिर्फ सॉल्वेंट को लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए कुछ छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं मोलैलिटी के, कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के अंदर सवाल अब घुमाई कराएंगे हम। जैसे हमसे पूछता है फाइंड मोलैलिटी ऑफ चलिए लेते हैं अब सवाल पहला हम, तो हमारा सवाल हो जाएगा चलिए सवाल लेते हैं अपन। 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में रखना है इन केजी। अब Na का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20 डिवाइडेड बाई ये 23, ये 16, ये 1, कितना हुआ 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये तो सॉल्यूशन का मास है, इसमें सॉल्वेंट का मास रखना है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन है अपना NaOH, ये कितना है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट अपना कितना हो जाएगा 80 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 80 डिवाइड बाई 1000, केजी में चेंज हो गया, 0 ने 0 को मारा 2/4 × 100/8, 4 × 4 = 25, 2 × 2 = 24, तो 25/4, तो हम बोल सकते हैं 4 × 6 = 24, 10 × 4 = 6.25 moles पर केजी। ये हो गई मोलैलिटी, या बोल देना 6.25 m। ठीक है, तो यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ये नहीं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन सीधा उठा के रख दिया, आपको देखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसको भी किस में रखें केजी में रखें। ठीक है, तो ये हमारा मोलैलिटी का कंसेप्ट था। जैसे मोलैलिटी पे एक सवाल और ले लेता हूं, क्वेश्चन, इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution
फाइंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल। तो पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोलैलिटी, ठीक है। तो अपन इधर मोलैलिटी लिख लेते हैं, क्या क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और यहां पे सॉल्वेंट कौन है हमारा, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml, सॉल्वेंट नहीं बताया, ठीक है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अमोनिया का मास गिवन है 0.85 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1, तो 14 और 3 कितना हुआ 17 डिवाइड बाई 17 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों प्रॉब्लम है मास ऑफ सॉल्वेंट की, जो कि नहीं दिया, हमें क्या दिया है 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया है वो भी सॉल्यूशन का, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, कोशिश करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने की। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना मास आ गया 120 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब बच्चों इसमें से सॉल्यूट कितना है, ये रहा, ये सॉल्यूट है 0.85 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट 0.85 ग्राम। अब आप निकाल सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, 120 माइनस 0.85, ये आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको यहाँ पे रख देंगे, और किस में रखेंगे, केजी में, ये ग्राम में आ रहा है, जो भी चीज़ आएगी उसको डिवाइड बाय 1000 और सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कंसेप्ट बताया, कैलकुलेशन की बात नहीं है, सॉल्यूट का मास ये है, ये सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का निकाल लो। अब सॉल्वेंट का जो मास आएगा उसको यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट मोलैलिटी, ठीक है, ठीक है, बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आइए समझते हैं क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी एक चीज नई, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालें किसी चीज का, आप मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना मेरे ख्याल से सबको पता होगा, आपको कैलकुलेट करना आता है, जोड़ देंगे सबको, है ना, जितने भी मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास देते हैं जोड़ के मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, तो बच्चों इक्विवेलेंट मास के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, शॉर्टकट दे रहा हूँ, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ कि आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, और उसको डिवाइड बाई एक्स कर दो। किसी भी चीज का इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो आप मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ले लो और उसको डिवाइड बाई एक्स कर दो, डिवाइड बाई एक्स कर दो। वहां पे हम एक्स को बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर। अब ये एक्स क्या है, आइए समझते हैं ये एक्स क्या चीज है। मान लो पहले एग्जांपल मैं लेता हूं एसिड्स का, ठीक है, अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, तो आपका आंसर होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स। व्हाट इज एक्स ओवर हियर, एसिड केस में बच्चों एक्स होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी सबको पता होगा क्या होता है बेसिसिटी, कितने एच प्लस आयन एसिड सॉल्यूशन में जाकर देगा, तो H2SO4 कितने H प्लस देता है, दो, तो यहां X की वैल्यू हो गई दो, और इक्विवेलेंट मास निकालना आसान हो गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा कैलकुलेट कर लो, और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो दूसरा एसिड ले लूं मैं HCl, यहां पे मैं पूछूं इक्विवेलेंट मास, तो कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड कर दो एक्स से। एसिड के लिए एक्स का मतलब बेसिसिटी, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है 1, एक ही H प्लस देगा, तो यहां X की वैल्यू कितनी रख दो, 1 रख दो, आ गया इक्विवेलेंट मास। तो ये एसिड की कहानी हुई। अब चलो इसी में मैं आपको तीन एग्जांपल और करा दूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं आप मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ H3PO4 का, H3PO3 का और H3PO2 का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपने देख लिया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्स, और एसिड के केस में एक्स क्या है, बेसिसिटी। अब बच्चों H3PO4 में कितने H+ हैं, देखने में 3 लग रहे हैं,
H3PO3 में भी तीन लग रहे हैं और H3PO2 में भी तीन लग रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पर ऐसा है नहीं कि तीनों ही तीन तीन H+ देते हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इसके लिए हमको स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा। आप P पे डबल बॉन्ड O लगा लो पहले, अब क्या बचा, तीन O बचे, तो एक दो तीन, तीन H भी बचे, एक इससे एक इससे एक इससे। अब देखो ये H+ निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से निकला H+, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां से भी H+, यहां से भी H+, ये तीनों H निकल जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O से जुड़े हैं। तो भाई साहब यहां बेसिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। आपसे कोई कहता है कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए, आप बोलिएगा जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो हमको आप दे दीजिए, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अब H3PO3 को जरा ध्यान से देखो, P डबल बॉन्ड O बना लो, तीनों में यही करना है। कितने O बचे, दो O बचे, एक O दो O। अब फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो भाई साहब एक वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, अब एक हाइड्रोजन को यहां लगना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन तो निकलेगा, ये तो निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि H+ निकाल सके। तो ये दोनों तो निकलेंगे पर ये वाला नहीं निकलेगा, तो यहां पे बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे H3PO2 है, P डबल बॉन्ड O लगा लो, कितना O बचा, 1। कितने H बचे, 3 बचे हैं, एक तो इससे लगा दिया। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 2, 1, 3, 4, 1, 5, कितने H+ निकल सकते हैं, सिर्फ एक ये वाला। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसमें आपसे कोई कहता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ भाई साहब, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। इस वाले में किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो बच्चों ये एग्जाम्पल थे एसिड्स के, और एसिड्स का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिफाइन कर दो, डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर लो। तो ये तो हो गई भाई एसिड की बात, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों अब हम बात करते हैं बेस की, लेट अस टॉक अबाउट अ बेस, ठीक है। अब बेस में जो एक्स होता है बच्चों, वो होता है हमारा एसिडिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमसे किसी ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमें बताना है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। ये फॉर्मूला तो याद कर लो, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स। इक्विवेलेंट मास एक नई चीज आपको आज मिली, उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स। अब बेस के केस में एक्स क्या है, एसिडिटी, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH- आयन जो ये फर्निश कर सके, तो ये दो OH- आयन फर्निश करता है, तो x की वैल्यू हो गई 2। आप सोच रहे हो कैसे पता चलेगा, कहां कितने, एक्सपीरियंस से पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, कुछ एग्जांपल आते जाएंगे। यहां x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप इसके केस में, 2 पुट कर दोगे। जैसे हमने आपको दिया एग्जाम्पल AlOH होल थ्राइस का, अब x की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 3, ये 3 OH- फर्निश करता है। हमने आपको दिया NaOH, हमने कहा इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, कितने OH- हैं, 1, तो x की वैल्यू है 1। तो ये हो गई बेस की कहानी, बेस में x की जगह क्या रखो, एसिडिटी रख लो, एसिड में क्या रख लो x की जगह, बेसिसिटी रख लो। मतलब शॉर्ट में समझो कि एसिड में x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा कितने H+ आयन देगा, बेस में x का मतलब क्या होगा, कितने OH- आयन देगा। और फॉर्मूला बार बार वही लगाना है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर x, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर x, बहुत बढ़िया। बच्चों एसिड हो गया, बेस हो गया, तीसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, सॉल्ट है, एसिड बेस सॉल्ट कवर हो गया। अब बच्चों सॉल्ट में हमारा x की जगह क्या रखना है, ध्यान से सुनना, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। अच्छा जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला वो लिखा है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x। अब x है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो यार अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये 2Na+ से बना होगा, बना होगा कि नहीं, तो कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2, तो x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2 रख दोगे इस केस में। और मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता है, कार्बन का मास दिया होगा, सोडियम का दिया होगा, ऑक्सीजन को रख के निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमको सॉल्ट दे दिया उन्होंने, कुछ भी सॉल्ट दे सकते हैं, जैसे हमको उन्होंने सॉल्ट दे दिया AlCl3, ये हमें सॉल्ट दिया। अब इसमें एल्यूमिनियम एक ही है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+, और एक्स की वैल्यू क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो अगर हमसे इस पूरे का इक्विवेलेंट वेट पूछेगा
तो x की जगह क्या रखना है 3, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन के टाइम। और भाई मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आता ही आपको, बिल्कुल आता है। जैसे मान लो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हमें ये दे दिया Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 एल्युमिनियम 3 प्लस, भाई एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 प्लस और उसके दो आयंस हैं यहां पर। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 3 6, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमसे ये दे दिया Mg SO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 प्लस, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन के टाइम 2, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो रखो और उसको डिवाइड कर दो x से और x की वैल्यू यहां पे 2। तो भाई सॉल्ट के लिए भी आपको क्लियर हो गया कि सॉल्ट के लिए x की वैल्यू क्या होगी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन के टाइम। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालना मैंने आपको बताया, देख लो कितने के टाइम है और एक के ऊपर कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये तीन आपको चीजें याद रखनी है कि एसिड के लिए आप नंबर ऑफ H प्लस पे ध्यान दो, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस पे ध्यान दो, और बच्चों सॉल्ट के लिए आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पे ध्यान दो। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, आंसर विल रिमेन सेम। दोनों में से कुछ भी एक रख सकते हो, या तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन रख लो, भाई जितना कैटायन पे चार्ज होगा टोटल उतना एनायन पे होगा, तभी तो सॉल्ट एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है ना, जितना कैटायन उतना एनायन। ठीक है, तो चाहे टोटल चार्ज ऑन कैटायन रख लो चाहे टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, दोनों को जोड़ना मत, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट वेट अपने को समझ में आया कि फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बटे एक्स, और तरीका है निकालने का एसिड बेस सॉल्ट का कुछ कुछ, इसके लिए एच प्लस, इसके लिए ओएच माइनस, और इसके लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट। अब बच्चों जैसे आपने मॉलिक्यूलर वेट सीख रखा है, मॉलिक्यूलर वेट सीख रखा है कि नहीं, बचपन से आता है, बहुत ईजी लगता है मॉलिक्यूलर वेट अपने को, चुटकियों के जोड़ के निकाल देंगे, यही आपका इक्विवेलेंट वेट का केस होना चाहिए। आज से इक्विवेलेंट वेट का केस भी यही होना चाहिए, उतना ही आसान। जैसे चलो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं बस। क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कॉमा NaOH कॉमा Na2CO3। चलिए तीनों मैंने दे दिए, एक एसिड, एक बेस, एक सॉल्ट। यहां मैं सबका वेट दे दूं, हाइड्रोजन का वेट 1, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का वेट 16, और क्या है सोडियम है, सोडियम का वेट 23, और क्या है कार्बन, कार्बन का वेट 12। तो बच्चों सबसे पहले एसिड इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स। एसिड के लिए एक्स का मतलब कितने एच प्लस, कितने एच प्लस हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर वेट ऊपर हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16 64, हो गया 98/2, आंसर आ गया 49 ग्राम्स। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा 49 ग्राम्स। हमसे NaOH का बोला इक्विवेलेंट वेट, तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है, उसको एकदम कॉमन समझो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स। अब Na का वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, एक्स। अब बच्चों यहां एक्स क्या होगा, OH माइनस आयन, बेस है, कितना OH है 1, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, 24 और 16 40, मतलब जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट था उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट। Na2CO3 इसकी बात करें, अब ये सॉल्ट है बच्चों, सॉल्ट के लिए क्या करना है बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो 2Na प्लस लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू रख दोगे 2, निकाल सकते हैं इसको, निकाल लेंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा ऊपर 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 16 48 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। तो थोड़ा बहुत अभी दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालना है मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड करना है, एक तरीका हो गया, और x की वैल्यू कभी H प्लस, कभी OH माइनस, और कभी सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मैं आपको यहां पर बच्चों एक और खास बात बताना चाहूंगा कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये भी रिएक्शन हमने देखा है, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता था तो ये रिएक्शन, अभी छोड़ो उसको, गोली मारो, एक रिएक्शन है, देख लो बैलेंस है कि नहीं, बढ़िया बैलेंस्ड है। ठीक है, हुआ क्या है, यहां से एक H प्लस निकला है और यहां से एक OH माइनस निकला है, H प्लस और OH माइनस मिलकर बने H2O, यहां से एक H प्लस निकला उस जगह Na आ गया, Na एक H बचा हुआ है HSO4। ठीक है, अब मैं पूछूं इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो आप बोलोगे यार मॉलिक्यूलर वेट सर ले लो डिवाइड बाई एक्स कर दो,
और सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2 है, है ना, 2H प्लस दे सकता है, यहाँ 2 रख देंगे। पर इस केस में ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, क्यों नहीं करेंगे यार, देख रहे हो इस रिएक्शन में कितने H प्लस निकले, यहां से यहां पे एक H बचा हुआ है, कितने H प्लस निकले हैं, एक ही तो निकला, यहां से एक ही H प्लस तो निकला। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट है ना, ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो बेसिसिटी एसिडिटी है ये रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि उस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 1, 2 तो नहीं है ना, 1 है। तो इस बार ना x की वैल्यू यहां पर कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। बाप पूछोगे सर एग्जाम में क्या करेंगे, देखो अगर रिएक्शन देगा तो देखना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं देगा तो आप कॉमन वाला निकाल दो। अगर रिएक्शन, अगर यही क्वेश्चन देता है और पूछता है बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो आप भी दिमाग चला लोगे, बेवकूफ थोड़ी ना, आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो मुझे x की जगह क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे इक्विवेलेंट वेट के। मैं फिर से इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला साइड में रख रहा हूं, मैं हर साल देखता हूं बच्चे मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा प्यार करते हैं, इक्विवेलेंट वेट बार-बार भूल जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x, और x आपको क्लियर हो गया होगा, एसिड है तो बोलो, सब लोग बोलो एसिड है तो x किसके बराबर, H प्लस आयन जो निकलने वाले हैं, बेस है तो किसके बराबर, x किसके बराबर, OH माइनस आयन जो निकलने वाले हैं, और सॉल्ट है तो x किसके बराबर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन के, ठीक ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों आपको मान लो मॉलिक्यूलर वेट पता हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं सुनो ध्यान से, और मैं आपसे बोलूं कि आप नंबर ऑफ मोल निकालो, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो रट गया होगा, मास जो दिया होता है डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, यही तो करते हैं ना, मोलर मास से या मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से, यही तो करते हैं ना। अगर हमसे नंबर ऑफ मोल पूछता है तो हम क्या करते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास से, ठीक। इसी तरह से बच्चों मान लो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया जो कि सीखा आपने, अब आपसे कोई कहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कई बार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा होगा, कई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पता था, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो अगर ये एनालॉजी तुम पकड़ लिए बगल बगल में, थोड़ा दिमाग में इसको बैठा लिया कि भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट किससे जुड़ा है, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल के लिए मास डिवाइड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किससे जुड़ा है, इक्विवेलेंट वेट से, बस छोटी सी बात थी, ठीक है। ये एनालॉजी अगर दिमाग में बैठ गई तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, वरना बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और डर जाते हैं इक्विवेलेंट देख के, जैसे आप भी शायद डरे होगे अगर स्कूल में पढ़ चुके हो तो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस ये याद रखो कि यार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ना नंबर ऑफ मोल जैसी कोई चीज है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास को डिवाइड कर दो किससे, इक्विवेलेंट मास से। और ये इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है अपने पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो इसको नोट्स में जरूर डालें, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्स से। आइए एक दो सवाल करते हैं इस पे, आइए कुछ थोड़े मोड़े छोटे मोटे सवाल कर लें। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। आइए स्टार्ट करें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जो मास दिया है उसको डिवाइड करो किससे, इक्विवेलेंट वेट से। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स, NaOH बेस है, फैक्टर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि OH माइनस 1 है, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का तो Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी, 1, तो हो गया 40, इक्विवेलेंट वेट मिल गया मेरे को 40। अब वापस यहां आएंगे, मास कितना दिया है 0.4 डिवाइड बाई 40, तो ये हो जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे हमसे कहा फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.98 ग्राम H2SO4,
चलिए करते हैं इसको भी। यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। कैसे याद रखोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे अपन, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे अपन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फैक्टर एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एसिड है 2H+ देता है, कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट आइए निकालते हैं, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 16 × 4 डिवाइडेड बाई फैक्टर एक्स विच इज 2, तो ये हमारा हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2 विच इज 49। तो यार इसका इक्विवेलेंट वेट तो आ गया 49। अब यहाँ पे आ जाओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास दिया है 0.98 अपॉन 49, है ना, तो ये यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है, 49 वन जा 00, 49 टू जा 98, ठीक है, 2/100 आ गया, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, क्यों लंबा है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स बड़ा आसान था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, जुड़ जाता है तुरंत। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, तैयार, चलो क्वेश्चन है मेरा फाइंड, अब ये सब तो कर लोगे ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड, एक और कर लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। एक बार पॉज करके खुद से करने को ट्राई करो, ये वाला एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, पॉज कर लो, चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे अपन, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दिक्कत इक्विवेलेंट मास में है, तो फिर से इक्विवेलेंट मास का फॉर्म लगा देंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। मॉलिक्यूलर वेट इसका सोडियम 2 बार है, 23 × 2 = 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 बार, 16 × 3 = 48, डिवाइड बाई फैक्टर एक्स। अब ये सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए फैक्टर एक्स क्या है, लिखा होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो यार यहाँ पे देखो तो 2Na+ बनेंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 रख लो, तो कितना हो गया हमारा 12 48 60 106 डिवाइड बाई 2 2 5 10 2 3 6 53 ग्राम। मास गिवन कितना है 53, इक्विवेलेंट मास भी कितना आ रहा 53, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालते थे, बस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए। बच्चों नॉर्मैलिटी के ऊपर, ठीक है, तो नॉर्मैलिटी बच्चों को ये बताता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल नहीं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताता है नॉर्मैलिटी। बच्चों नॉर्मैलिटी की यूनिट अगर हम देखें तो हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या उसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉर्मैलिटी का बच्चों जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आपको मैंने सिखाया हुआ है, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये वीडियो है
इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट। आप यूट्यूब पे सर्च करना इक्विवेलेंट वेट फिजिक्स वाला तो आपको मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत जरूरी है नॉर्मेलिटी को समझने के लिए, वरना नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिर भी एक बार शॉर्ट में बात कर लें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी मास दिया हो उसको डिवाइड कर दें किससे, इक्विवेलेंट मास से। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पहले कुछ आसान सवाल ले लेते हैं एक दो। पहला सवाल है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो अपन को फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये नहीं निकालना आता है तो सर्च कर लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट फिजिक्स वाला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, इन लीटर्स लेना है। अब बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और नीचे तो वॉल्यूम लेना है इन लीटर्स। अब बच्चों इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा हमको H2SO4 का। तो इक्विवेलेंट मास का मैं बार बार एक ही फॉर्मूला आपको बता रहा था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स। ये इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका। और x क्या होता है, क्योंकि ये एसिड है तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, H प्लस आयन के, जितने H प्लस आयन इसमें है। मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो हम रख लेंगे तो 1 इंटू 2, 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 64 डिवाइडेड बाई x, कितने x हैं इसमें, 2 हैं, तो कितना हो गया हमारा 34, 68 बाई 2, कितना आया 49। तो इक्विवेलेंट मास कितना है 49। तो अब यहाँ मास रख लो 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 49 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 500 है, उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि ये ml है और यहाँ किस में रखना है, लीटर में। बस अब बच्चों जो भी आंसर है आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ से पॉइंट हटाया, 00 लगा दिया, 0000 से मर गया, 49 1 49 2 98, इस जीरो से ए जीरो बन गया, क्या बचा, 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 1, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 50, तो 2/50 बोल सकते हैं, या 4/100 बोल दो, या आप बोल दो 0.04 कैपिटल N। ये हो गई इसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकालना आपको सीखना होगा, नहीं सीखा है पिछले वीडियो से सीख लो, और अगर आ गया है तो क्वेश्चन हलवा था आपके लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे लिखा रहता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो बच्चों सेमी नॉर्मल ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1/2 हो, या एग्जाम में N/2 लिखी रहेगी। जैसे हमसे बोला बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा मैंने मोलैरिटी में भी आपको बताया था, बाई नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 2 हो या 2N लिखा हो। ठीक है, जैसे सेंटी नॉर्मल लिखा हो, सेंटी नॉर्मल, ठीक है, सेंटी नॉर्मल मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी 1/100 हो, या N/100 लिख लो। डेसी नॉर्मल, डेसी मतलब 10, डेसी नॉर्मल, डेसी मतलब 10, मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी 1/10 हो, या N/10 लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो जैसे एक सवाल हमको मिला, क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन में आपको मास ऑफ NaOH पता करना है। तो बच्चों नॉर्मेलिटी तो दे रखी है, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2, ठीक है,
वॉल्यूम भी दे रखा है आपको 250 ml, ठीक है। तो अपन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इसमें NaOH, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी रखी 1/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, पता है क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब बच्चों इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा NaOH का, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अब NaOH एक बेस है बच्चों, बेस के लिए एक्स फैक्टर किसके इक्वल होगा, OH- आयन के, कितने OH- आयन है, एक है। तो आप मॉलिक्यूलर मास ले लो, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा ये 40, 23, 16 और 1, 17 और 23, 40 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि एक ही OH है, तो कितना आया 40। तो हम बोलेंगे इज इक्वल्स टू मास जो कि नहीं पता, डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 250 डिवाइडेड बाई 1000। अब बच्चों सब कुछ पता है, आप यहां से मास की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो आई होप इसके बाद सवाल आप खुद से बना सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स समझे, आज के लेक्चर में इतनी ही पढ़ाई करनी थी, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, काफी इजी था और मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसके डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, पढ़ाई जमकर करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।